आज की क्लास में हम मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कवि मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वे दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक बने। इसके उपरांत इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी काम किया। इसके बाद 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। कवि मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से नवाजा गया है। मंगलेश जी जो अनुवादक भी रहे हैं, इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहे हैं। कवि मंगलेश की कविताओं में सामंतीबोध एवं पूंजीवादी छलछंदम दोनों का प्रतिकार हुआ है। इन्होंने यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु विरोध में एक सुंदर सपना रचकर किया है। उनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।